आकाश भाई के पास चलता है। आकाश भाई, जिस तरीके से टीम इंडिया ने यहाँ पर ये जो जीत दर्ज करी है और पॉइंट्स टेबल पे हम अब नंबर वन हो गए हैं, यहाँ से आपने जिस तरीके से अब बैटिंग का जो टेस्ट था वो भी हो गया, क्योंकि आप बार बार कह रहे थे कि जडेजा की बैटिंग नहीं देखी, जडेजा की बैटिंग नहीं देखी। हार्दिक तो चलो अनफॉर्चुनेटली इस मैच में नहीं थे, लेकिन जडेजा की बैटिंग देख ली, अब आपको लग रहा है कि सारी चीजें पते पर है? नहीं, बॉक्सेस सारे टिक कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आज चाहिए थे जडेजा के रन, क्योंकि अगर जड्डू, चलो मान के चलते हैं कि मतलब हाइपोथेटिकली आज जड्डू रन ना बनाते तो आप ये मैच भी नहीं जीतते, क्योंकि फोकस ऑब्वियसली विराट कोहली पे सारा है, क्योंकि चेज मास्टर है बंदा, रन मशीन है, टन मशीन है, चेज मास्टर है, मॉडर्न मास्टर है, ही इज आउटस्टैंडिंग, उसमें डाउट नहीं है। पर जड्डू दूसरे एंड पे चाहिए था, क्योंकि इसके बाद आने वाले थे शामी, सिराज, बुमराह और कुलदीप। ये तो चार बॉलर, मतलब आप हो सकता है ये पांच ओवर का मेहमान हो, सारे एक एक के बाद एक बार चले जा सकते थे। तो जड्डू के रन्स सेंसिबली खेलना, तरीके से बनाना रन्स, ऐसी ये वाली खेलना जड्डू को पसंद आती है एक्चुअली। रना बॉल आप जड्डू से कभी भी खिलवा लो, इज अ वेरी गुड प्लेयर। अगर आप यही वनडे क्रिकेट में या T20 में आप बोलो कि हम तेजी से रन बनाने हैं, तो तेजी से देर इज अभी भी थोड़ा सा कंसर्न है, पर ठीक है यार, किस हमें कंसर्न नहीं है, चांद में भी दाग है। पर क्या ये भी सच है कि अगर विराट कोहली की सेंचुरी सामने नहीं होती तो ये मैच दो ओवर पहले खत्म हो जाता? ये बिल्कुल सही बात है, आई मीन हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। पर आपको मैंने पहले बताया था कि हम सब जो हम जो बनते हैं अंत में प्रोडक्ट, हम अपने एनवायरनमेंट और अपनी कंडीशनिंग का है, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, दिखाया जाता है। शोएब अख्तर फास्ट बॉलर इसलिए बने थे क्योंकि पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग के साथ रोमांस है, तो वो हर बंदा वहां फास्ट बॉलर बनना चाहता है। अब भारत के अंदर बैटर क्यों इतने सारे बनते हैं, क्योंकि हमें बैटिंग, हमारा बैटिंग के साथ हमें इश्क है, तो और फिर हमें स्टैट्स के साथ है भाई। अब ये भारत इस तरीके से क्रिकेट ऐसे खेला सब कॉन्टिनेंट, और ये सिर्फ हमारी बात नहीं, सब कॉन्टिनेंट का इशू है कि हम सबको लगता है कि यार 100 रन 5 विकेट, हमारा फोकस भैया इन चीजों पर बहुत ज्यादा रहता है। अब सही है या गलत है लॉन्ग रन में पता चलेगा, पर अभी ये ऐसे ही रहने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। शोएब भाई, मैं शोएब भाई से पूछना चाहूंगा, शोएब भाई आप जब मैच देख रहे थे आपने रियलाइज किया होगा बीच में बादल आ गए थे, वो मैच बंद हुआ बीच में बादल आ गए, तो ऐसे में क्या मतलब बॉलर्स को ज्यादा परेशानी होती है या बैटर्स को? बैटर्स को, बैटर्स को होती है, क्योंकि हमेशा याद रखे थोड़ा सा वेट कंडीशन या ओवरकास्ट या बादल या हवा या ठंडी हवा या थोड़ी सी हवा चले, तो उसमें ये होता है कि अगर बॉलर समझदार हो और एक बॉल लगा हो, जो हमारे टाइम की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त ये कि हम थोड़ा कोशिश करते थे यार कि बॉल स्विंग करे। स्विंग करने से ना यार एक काम बड़ा होता है, आपको मजा आता है कि आपकी जान वापस आ जाती है, आपके जिस्म में से जान गई होती है ना वो वापस आ जाती है जो बॉल हिलता है। तो आजकल के दौर में ऑब्वियसली यार मैं बॉलर्स के साथ खड़ा हूँ, इसलिए हूँ यार कि दो नए बॉल है, रिवर्स होता नहीं, सीम आपको सीखनी है, एक दायरे में आपने जान छुड़ानी है, रन आपने देने नहीं है। अच्छा वैरायटी करूं, लेंथ तो लेंथ करूं या अपना एग्रेशन लेंथ में निकालूं, क्या करूं, फंसे रहते हैं। लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन ऑब्वियसली हेल्प्स इंडीड, लेकिन व्हाट हेल्प्स कि आप यू नो यू कहते हैं इंग्लिश में यू गेट विद इट बेसिकली विद द सिचुएशन, कि आप अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं यार कि चलो यार आज की क्रिकेट ये, मैं इस तरह मोल्ड कर लेता हूँ एज अ फास्ट बॉलर, मेरे पास मार्जिन कम, मैं विकेट टू विकेट आ जाता हूँ, मैं यार अगर मेरे पास सीम नहीं मिल रहा तो मैं अब स्टॉक बॉलर बन जाता हूँ, तो अगर मैं 45 नीचे 50 नीचे रन रखता हूँ तो यार मैं बहुत स्मार्ट फास्ट बॉलर हूँ। कभी 45 पड़ जाए पिछले जमानों में वो यार कितना एक्सपेंसिव है, 50 खा गया एक्सपेंसिव है। आजकल के दौर में 50 एक जायज मार के ही जा सकती है, जायज मार है ना, जायज मार नहीं। बिल्कुल, बट यार मुश्किल आसान क्रिकेट है यार भाई मेरे, आसान क्रिकेट है। मैं ये नहीं कहता ये फ्रॉड क्रिकेट है, लेकिन ये आसान क्रिकेट है। और अगर यहाँ पे होते ना पुराने प्लेयर, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें आइडिया नहीं है, तुम बहुत छोटे थे, हम उस वक्त मार खा रहे थे, तुम्हें आइडिया नहीं है। पॉन्टे की एक बला का नाम है, सचिन एक बला का नाम था, इंजमाम कोई इंसान नहीं था, वो भाई बहुत जोर की टेम मारता था पेट की तरफ इंजमाम इट मारता था, बॉलर बैक ड्राइव जिसे कहते हैं। मैंने कहा इनसे भाई इंसान बने, सीधी तो ना मारे ना पेट में, जितनी तेज ना बॉल करो उतनी तेज मेरी तरफ हिट आ रही है। तो यार वो बलाएं थी, ब्रायन लारा बला का नाम है, कोई आम बंदा थोड़ी है ये, इंसान थोड़ी थे। उनके सामने आपने फील्डिंग भी करनी है, दो दिन कुट भी खानी है, और लंबे लंबे ग्राउंडों में आपने पिदना भी है। फिर उसके बाद एक कोच मिल जाता था, आकाश से पूछना ये बताएगा तुम्हें, एक कोच होता था, एक पागल सा कोच मिलता था, मैच अगर आप हारे मैं आपको 1 घंटा फील्डिंग कराऊंगा उसके बाद। तो भाई फील्डिंग क्यों कराएगा मुझे, मैच भी लंबे 23-24 ओवर भी किए हैं और फिर तो फील्डिंग भी कराएगा। अच्छा मैं फाइन कर दो, मैंने फील्डिंग नहीं करनी। तो मैं पहले
टूर में पाकिस्तानी टूर में मैंने फील्डिंग से रिफ्यूज कर दिया। मैं यार 24 ओवर भी करूं फील्डिंग भी करूं, कहते शेव करके नहीं है, मैं फाइन कर दो। तो मेरी जो डेलियां होती थी डेली से पहले मुझसे ले लेते थे। और फिर मैं रोटी बच्चों से खाता था, मैं दूसरे लड़कों से खाता था, यार खाना खिला दो यार, सारे पैसे तो फाइन में चले गए। यार फास्ट बॉलिंग करनी है या मॉडलिंग करानी मुझसे? मैं उनसे यही सवाल करता था, मैं तेज कर रहा हूँ ना, मैं भाग रहा हूँ ना, सेव करना जरूरी है। आज समय दाड़ियां रखी हूँ, आज मैं कोशिश करूंगा सबको, मतलब मैं स्पॉन्सरशिप करने को तैयार हूँ भाई। यार दाढ़ी कटा लो यार, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां रखी सब ने रखी हुई है। तो हमारे टाइम में दाढ़ी रखो तो कहते हैं कि एक कड़ा कैदी आ गया। तो शेर भाई कह रहे हैं कि क्रिकेट आसान हो गई है, पर ये क्रिकेट पाकिस्तान को देख लो जरा, तो हमें तीनों को देख लो, तुम्हारी तीनों की दाढ़ियां सही हो रही बीच में से, कटवाने का नाम नहीं ले रहे। भाई बड़ी मुझे पता है, शेर भाई बड़ी मुश्किल से ये डबल चिन छुपा रखी है इस दाढ़ी के पीछे। अगर चुप रही है या नहीं ये मुझे नहीं पता। आप बात करने ही मना कर दोगे अगर हम दाढ़ी कटवा के आ गए।